हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3। इसमें यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स क्या है और इंटरफेरेंस ऑफ वेव किस तरह से होता है। राइट फ्रेंड्स, स्टार्ट होने से पहले मैं टाइटल लगा देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि इंटरफेरेंस किस तरह से बनता है। तो हमारा टाइटल है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। मैं आपको इंटरफेरेंस करके दिखाता हूं। अगर आपके पास अपना मोबाइल फोन हो तो आप क्या करिए कि लाइट के पास इस तरह से अपना मोबाइल फोन ले जाए तो आपको देखो दिख रहा होगा कि अंदर से लाइन पास हो रही है। देखो स्क्रीन के ऊपर से लाइन कैसे दिख रही है आपको। राइट, तो यहाँ पे मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि लाइन हमारी यहाँ पे किस तरह से पास कर रही है। एक बार आपको दिख रही है एक स्पॉट दिख रही है, एक बार गैप दिख रहा है। जो आपको ब्राइट ये दिख रहा है उसको बोलते हैं फ्रिंजिस। तो एक बार आपको ब्राइट फ्रिंजिस दिख रही है, बीच में कुछ डार्क कुछ नहीं दिख रहा, यानी कि उसको डार्क फ्रिंज बोलते हैं। इस तरह से पैटर्न हमें मिल रहा है। इस तरह से ये पैटर्न मिल रहा है, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। राइट, ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज। और बीच में आपको जहां पे कुछ नहीं दिख रहा उसको हम बोलते हैं डार्क फ्रिंज। यहां पे आपको मिलेगी डार्क फ्रिंज। राइट, ये आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो ये जो पैटर्न मिल रहा है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। और ये पैटर्न किस तरह से क्रिएट हुआ, क्यों क्रिएट हुआ, ये हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के जरिए। तो यहाँ पे मान लो ये हमारा ट्यूबलाइट है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। सपोज कर लो कि ये हमारा ट्यूबलाइट है। राइट, ये हमारा ट्यूबलाइट है और यहाँ पे हमारा मोबाइल फोन है। जब हम ट्यूबलाइट के पास मोबाइल फोन को लेके गए यहाँ पे, तब क्या हुआ, ये जो हमारा कैमरा है उसको हम एक पॉइंट मान लेते हैं पी पॉइंट। तो हर डिफरेंट डिफरेंट जगह से लाइट वहां पे आई, तो लाइट का पाथ डिफरेंस अलग अलग था। देखो इस लाइट को बहुत दूर से ट्रेवल करना पड़ा, ये लाइट नजदीक से आई, इसके कंपेयर में इस लाइट को और थोड़ा दूर से ट्रेवल करना पड़ा। तो हर लाइट का जो पाथ डिफरेंस है, राइट, डिस्टेंस कवर कर रही है लाइट, वो अलग अलग है। और सब सारी की सारी लाइटें आके जो वेव है, लाइट वेव, वो एक ही जगह पे मिल रही है। यानी कि सारी लाइट जब मिलती है तो वहाँ पे एक फिनोमेना क्रिएट होता है। राइट, उसको ही हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, जो डार्क और ब्राइट के फॉर्म में होता है। तो ये सारा खेल क्या है, ये पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए समझेंगे, फिर आपको बताऊंगा मैं किस तरह से हो रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है और पी पॉइंट यहाँ पे है। राइट, ये जो पूरा खेल हो रहा है यहाँ पे, वो उसको बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो वेव होगी, मान लो कि वेव 3 सेंटीमीटर है और इस तरफ की वेव 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर ये वेव इस तरफ आ रही है, ये इस तरफ आ रही है। तो पी पॉइंट को ये वेव जो है वो 3 सेंटीमीटर का धक्का देगी, ये वेव 2 सेंटीमीटर का धक्का देगी। तो जब पी पॉइंट के पास दोनों वेव पल्स दोनों आएंगे, तब हमारा यहाँ पे टोटल 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। राइट, दोनों वेव मिल गई, ऐड हो गई, ऐड होके जो पी पॉइंट था उसको कितना एम्पलीट्यूड मिला, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड के उसके ऊपर दिखाई पड़ा। मान लो एक वेव हमारी 3 सेंटीमीटर ऊपर आई और 2 सेंटीमीटर इस तरफ आई, ये हमारी 3 सेंटीमीटर इस तरफ आ रही है और 2 सेंटीमीटर इस तरफ है और वेव हमारा ये है। तो जब हमारी दोनों वेव टकराएंगी तो पी पॉइंट सिर्फ 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे एम्पलीट्यूड बनाएगा, पी पॉइंट हमारा सिर्फ 1 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड बना पाएगा। अब आप मान लो कि दो वेव आ रही है, एक 5 सेंटीमीटर से है, दूसरी भी 5 सेंटीमीटर से है। एक ऊपर की तरफ आई 5 सेंटीमीटर का पल्स बनाते हुए, एक नीचे की तरफ से आई 5 सेंटीमीटर, तो पी पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, वो न्यूट्रल ही रहेगा। पी पॉइंट कैसा रहेगा,
न्यूट्रल रहेगा, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक वेव ने ऊपर से झटका दिया पाई सेंटीमीटर का, एक वेव ने नीचे से झटका दिया, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारी यहाँ पे वेव स्ट्रेट ही रह रही है, राइट, पार्टिकल हमारा मूवमेंट नहीं दिखा रहा। तो ये सारा का सारा जो फिनोमिना है यहाँ पे देखने को मिला वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स आर इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, द फिनोमिना इज कॉल्ड सुपर पोजिशन ऑफ लाइट, और उसकी वजह से बनता है इंटरफेरेंस, एंड दैट क्रिएट इंटरफेरेंस व्हेन मोर देन टू और व्हेन टू और मोर देन टू व्हेन टू और मोर देन टू लाइट आर सुपर इम्पोज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, द फिनोमिना क्रिएट्स दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो वहां पे इंटरफेरेंस बनेगा हमारा। तो हम यहाँ पे दो वेव लेंगे, दोनों का नेट डिस्प्लेसमेंट करेंगे और उसके जरिए हम यहाँ पे समझेंगे। फ्रेंड ये जितनी भी वेव आ रही है Y1, Y2, Y3, Y, इन सब का डिस्प्लेसमेंट होता है खुद का अपना। तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा इस तरफ मिलेगा हमें Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस डैश डैश अप टू YN। जितनी भी वेव उसका टोटल लगाएंगे हम तो हमें डिस्प्लेसमेंट वाई मिलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, राइट। जितनी भी वेव है उसका अगर हम टोटल लगाएंगे तो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वाई मिलेगा। तो वाई इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 डैश डैश अप टू YN, राइट। तब जाकर हमें यहाँ पे रिजल्टेंट वाई नेट निकाल पाएंगे। तो इसको हमें वेक्टर समेशन के फॉर्म में लेना है, ये जो भी डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रहा है सारी वेव्स का वो वेक्टर सम के फॉर्म में होगा। जिस तरह से आपने 11th में वेक्टर पढ़ा है तो वेक्टर एडिशन आपको करना है और वेक्टर फॉर्म में आपको लाना है ना, उसका वेक्टर एडिशन होगा। ओके, तो ये हमारा थोड़ा हमने 11th का जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लर्न करा था उसके बारे में पढ़ा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि मान लो हमारे पास दो वेव है, हमारे पास सपोज कर लो दो वेव है और दोनों का सोर्स अलग अलग है और दोनों डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से आते हुए एक ही पॉइंट पे मिल रही है, पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे हमारा इंटरफेरेंस जो क्रिएट होगा वो किस तरह से होगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, राइट। तो फ्रेंड्स मान लो कि यहाँ पे एक वॉल है जहाँ पे हम पी पॉइंट मान लेते हैं, एक सोर्स यहाँ पे है S1 सोर्स, तो ये जो वेव आई वो हमारी पी पॉइंट पे टकराई, S1 सोर्स से आने वाली वेव, और ये जो है वो थोड़ी दूर से आ रही है, राइट, और वो यहाँ पे टकराएगी पी पॉइंट पे, राइट। एक वेव हमारी S1 से आई पी पॉइंट पे टकराई, दूसरी वेव हमारी S2 से आई पी पॉइंट पे टकराई, तो दोनों वेव का यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है ये Y1 है ये Y2 है, दोनों को हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो पहले वेव को हम यहाँ पे मान लेते हैं A1 साइन ओमेगा टी। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा ये हार्मोनिक फंक्शन होता है वो साइन ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो, तो ये वाई हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट करा। ए हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड, ये पूरा हमारा हार्मोनिक फंक्शन है, ये पूरा हमारा फेज कहलाता है जिससे हमें फेज डिफरेंस मिलता है। ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी हमारा टाइम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में हमें टाइम पीरियड भी मिल जाएगा, एक वेव को ख़त्म होने में कितना टाइम लग रहा है इस तरह से ये हमारा टाइम पीरियड कहलाएगा। के हमारा वेव वेक्टर कहलाएगा जिसमें लैम्बडा आएगा 2π/λ, इसको हम वेव वेक्टर बोलेंगे, और एक्स हमारा कितना डिस्टेंस कवर करा है वेव ने वो बताएगा। तो ये हमने सारी डिटेल 11th में जो वेव चैप्टर था उसमें पढ़ी हुई है, राइट। अब फ्रेंड्स मान लो कि पहला जो वेव है हमारा वो A1 साइन ओमेगा टी है और दूसरा जो वेव है Y2 वह उसका एम्पलीट्यूड A2 है, अलग अलग एम्पलीट्यूड है दोनों के, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मान लेते हैं कि दूसरा जो वेव है वो फाई जितना फेज डिफरेंस में आगे चल रहा है, राइट, फाई जितना फेज डिफरेंस में आगे चल रहा है, तो हमें यहाँ पता चलेगा कि फेज डिफरेंस दोनों का कितना आ रहा है, राइट। यहाँ पे हम कोहेरेंट सोर्स मानते हुए चलते हैं। तो फ्रेंड हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कोहेरेंट इनकोहेरेंट दोनों क्या है, लेकिन जो कोहेरेंट है उसको आप ऐसा बोल सकते हो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी
सेम रह रही है वेव की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो तो भी चलेगा, सेम, या फिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, तो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है या जीरो है, राइट। जो भी दो वेव के फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेंगे यहाँ पे, राइट, डिफरेंस पूरा कांस्टेंट आएगा या जीरो आएगा, राइट, दोनों का फेज सेम होगा, दो वेव का जब फेज सेम होगा, दोनों सेम फेज में होंगे तो डिफरेंस होगा ही नहीं। दो वेव अगर सेम फेज में चल रहे हैं इस तरह से, एक ऊपर गया दूसरा भी ऊपर गया, एक नीचे आया दूसरा भी नीचे आया, दोनों ऊपर जा रहे हैं साथ में दोनों नीचे जा रहे हैं, तो हमारा फेज डिफरेंस सेम होगा, तब हमें फाई जीरो मिलेगा, राइट। उसको हम बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेस। तो ये केस हम कोहेरेंट सोर्सेस वाला ले रहे हैं, राइट। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एक का ओमेगा टी है, दूसरे का ओमेगा टी प्लस फाई है, हम एक जनरल केस डिराइव करते हैं यहाँ पे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट डिफरेंट ले, इनकोहेरेंट सोर्स लें, तो किस तरह से हमें उसमें चेंज देखने को मिलेगा। तो पहले हम एक जनरल फॉर्मूला लेते हैं और हम यहाँ पे डिराइव करते हैं कि इंटेंसिटी पी पॉइंट पर हमें कितनी मिलती है। अगर दो वेव, एक वाई वन और दूसरा वाई टू, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, एक आया ओमेगा टी पे, एक आया ओमेगा टी प्लस पाई से, एंगल है दोनों का फेज एंगल, तो दोनों जब पी पॉइंट पे इंसिडेंट करेंगे तो हमें क्या इंटेंसिटी मिलेगी, वो हमें यहाँ पे निकालनी है। तो फ्रेंड्स, दोनों को हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर लेंगे, तो वेक्टर सम में वाई वन प्लस वाई टू, तो वाई वन हमारे पास यहाँ पे है ए वन साइन ओमेगा टी, प्लस वाई टू में मिला है ए टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई, दोनों इस तरह से मिल गए। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, वाई वन हमें मिला ए वन साइन ओमेगा टी, तो ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ये हमारा क्या आ जाएगा ए टू, इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा साइन ओमेगा टी ब्रैकेट में इंटू कॉस पाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन पाई, राइट, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, इस तरह से मिल जाएगा हमें। तो अब ये अंदर जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला आता है साइन ऑफ ए प्लस बी का, राइट। अब अगर ये हमारा ए टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो किस तरह से हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी कॉस पाई प्लस ये ए टू यहाँ भी जाएगा, यहाँ प्लस है तो इसका भी है ए टू और इसका भी है, अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ए टू कॉस ओमेगा टी साइन पाई। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू ए वन, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ए वन बचा प्लस यहाँ पे ए टू कॉस पाई बचा, ए टू कॉस पाई, राइट, और यहाँ पे हमने क्या कॉमन निकाल लिया, साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे ए टू साइन फाई को मैं साथ लिख रहा हूँ, साइन फाई इन टू कॉस ओमेगा टी, तरह से हो गया, राइट। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सिर्फ साइन ओमेगा टी को कॉमन निकाला है, बाकी तो हमने सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप यहाँ पे साइन फाई कर दिया, कॉस ओमेगा टी को मल्टीप्लाई में इसलिए अलग से लिख दिया। तो ये जो टर्म है हमारी, ये उसको हम ले सकते हैं ए कॉस थीटा, हम सपोज कर लेते हैं उसको, और ये जो टर्म है उसको मान लेते हैं ए साइन थीटा, राइट। तो हमने जो यहाँ पे सपोज करा है वो मैं यहाँ पे अलग से भी लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको मिटाते हुए मैं यहाँ पे अलग से लिखूंगा उन दोनों को। हमारा जो फर्स्ट टर्म है ए वन प्लस ए टू कॉस पाई, उसको हमने लिखा है ए कॉस थीटा, वो हमारा इक्वेशन वन कहलाएगा। दूसरा ए टू साइन पाई, वो हमारा ए साइन थीटा कहलाएगा, क्वेश्चन टू, राइट, इस तरह से मिल गया हमें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक काम करते हैं कि इन दोनों की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो हमें रिजल्टेंट वाई क्या मिलेगा, देखिए आप ए वन प्लस ए टू कॉस पाई, उसकी जगह पर हम रखेंगे ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, यहाँ पे प्लस प्लस ए टू, ए टू साइन वाई की जगह में रखना है ए साइन थीटा, राइट, ए साइन थीटा
कॉस ओमेगा टी। तो इसमें ए कॉमन निकाल लेंगे, ए कॉमन, तो अब बचा हमारा कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया रिजल्टेंट का। फ्रेंड्स ये जो हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन आया है उसमें ए हमारा क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन वन और टू जो है उनको दोनों का स्क्वायर करके उनको ऐड कर देना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग यहाँ पे जो हमारा ये दोनों का वाई वन प्लस वाई टू हमने करा पी पॉइंट के ऊपर, तो उसका रिजल्टेंट हमें ये मिला ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो दोनों हमारे इक्वेशन है इक्वेशन वन और टू उन दोनों का हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन वन एंड टू एंड एड देम, तो देखिए आप ये ए प्लस बी ए सॉरी ए वन प्लस ए टू कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से मिल गया। अब यहाँ पे हम ए प्लस बी होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो क्या आएगा, ए वन का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई डेफिनेटली ये आएगा प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू यहाँ से आप ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ भी है यहाँ पे भी है, राइट। तो ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो बाकी क्या बचेगा हमारा साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस स्क्वायर डीटा, इसको तो हम वैसे भी वन ले लेते हैं तो ये हमारा वन हो जाएगा, राइट। ए वन स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई प्लस यहाँ पे आप देखिए अब ए टू स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा हमारा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा वन, अगर ए टू स्क्वायर कॉमन निकल आएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा हमारा वन, राइट। तो ए टू स्क्वायर कॉमन वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे भी वन, तो हमारा यहाँ पे जो ए मिल रहा है वो ए स्क्वायर हमें इतना मिला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई प्लस ए टू स्क्वायर, राइट। ये हमारा एम्पलीट्यूड कहलाएगा, तो हमें एम्पलीट्यूड क्या मिला है उसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये नेट है हमारा नेट एम्पलीट्यूड, राइट। तो हमारा यहाँ पे आता है ए नेट, ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर, ये हमारा थ्री बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फोर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, राइट। अब फ्रेंड्स हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको ए नेट इज इक्वल टू, अब देखो इसको हम a1 प्लस a2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, राइट। तो भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा, तो ये हमें मिल गया एम्पलीट्यूड, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो इसको हमने मिटा दिया। अब आप देखिए कि हमारे पास जो इक्वेशन आया ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि हमारा एम्पलीट्यूड जो है दोनों का जनरल एम्पलीट्यूड ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई, ओके तरह से। अब अगर हम एक रिलेशन लेंगे कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रपोजनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रपोजल होगी हमारी इंटेंसिटी, राइट। तो अगर हम यहाँ पे प्रपोजनलिटी रिमूव कर दें तो कॉन्स्टेंट आएगा के और एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए,
इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना। तो हमने क्या करा कि प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हुए वहां पे कांस्टेंट रख दिया, कांस्टेंट की वैल्यू हमारी के आ गई। अब फ्रेंड्स अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊंगा तो हमें मिलेगा आई बाई के, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो आई नेट स्क्वायर डिवाइड बाई के, अगर मैं वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो क्या आएगा आई वन स्क्वायर डिवाइड बाई के, यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा आई वन इज इक्वल टू के ए वन स्क्वायर, आई टू इज इक्वल टू के ए टू स्क्वायर, राइट। तो आई टू स्क्वायर डिवाइड बाई के प्लस टू, ये ए है तो हमें अंडर रूट में आई वन लेना पड़ेगा, अंडर रूट में आई वन अपॉन के, अंडर रूट में आई टू अपॉन के कॉस पाई। तो ये रूट के हो जाएगा, रूट के हमारा के हो जाएगा, के कॉमन निकाल के हम उसको क्या कर देंगे कैंसल, कॉमन निकाल के कैंसिल करना है। तो बाकी बचेगा हमारा आई नेट स्क्वायर इज इक्वल टू आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू कॉस फाइव। अब इसको हम साथ में लिख लेते हैं अंडर रूट आई वन आई टू को, अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, हमें आई नेट मिला। यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स मेरी गलती है, यहाँ पे ए स्क्वायर जो है उसका आई बाई के ही है, तो यहाँ पे हमें आई वन आई टू लिखना है, राइट। आई नेट अपन के आई वन अपन के आई टू अपन के टू अंडर रूट आई वन आई टू, तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, राइट। तो हमें आई नेट कितना मिला आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, क्योंकि इंटेंसिटी हमें आई रखनी है तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा ना, आई इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमारा आई बाई के आएगा, तो ये स्क्वायर की जगह ही हमें आई लिखना है, स्क्वायर नहीं आएगा, राइट। वो बाई मिस्टेक हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे नेट इंटेंसिटी जो मिली पी पॉइंट पे आई पी, वो कितनी मिली आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। अब फ्रेंड्स आप मान लो कि इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे ये वाला पोर्शन मिटा देते हैं हम, क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट इक्वेशन हमें यहाँ पे करना है। फ्रेंड्स आप मान लो कि हमारे जो दो वेव हैं दोनों की इंटेंसिटी मान लो सेम है, उसको हम आई जीरो मान लेते हैं। इफ आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई जीरो, अगर हम दोनों की इंटेंसिटी यहाँ पे सेम मान लेते हैं तो हमें जो आई नेट मिलेगा वो कितना मिलेगा आई वन प्लस आई वन आई जीरो, आई टू भी हमारा आई जीरो टू आई जीरो इंटू आई जीरो स्क्वायर कॉस फाइव। यहाँ पे आई जीरो प्लस आई जीरो टू आई जीरो, हमें मिल जाएगा टू आई जीरो प्लस आई जीरो का स्क्वायर जब रूट में से बाहर निकलेगा तो भी हमारा आ जाएगा आई जीरो कॉस फाइव। ये जो टू आई जीरो है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे, तो आई नेट टू आई जीरो कॉमन वन प्लस कॉस फाइव, ये हमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि वन बट वन प्लस कॉस फाइव को हम यहाँ बोल सकते हैं टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, फॉर्मूला है हमारा, राइट। तो वन प्लस कॉस फाइव को हम बोल देंगे टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, अब हमें मिल जाएगा आई नेट इज इक्वल टू टू आई जीरो टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। तो टू टू से हमारा यहाँ फोर हो गया, तो हमें मिल जाएगा फोर आई जीरो कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। तो ये हमें एक फॉर्मूला मिला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई नेट इज इक्वल टू फोर आई जीरो कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। तो हमारी एनसीईआरटी में यही फॉर्मूला बता रखा है हमें, फोर आई जीरो कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। यहाँ पे फोर आई जीरो हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तभी भी हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, हम फोर आई जीरो लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो टर्म आई हमारी अंडर रूट आई वन आई टू इंटू टू इंटू कॉस फाइव, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म, इंटरफेरेंस टर्म। ये जो हमारी टर्म होगी तो हम बोलेंगे इंटरफेरेंस टर्म, वो हमारा इंटरफेरेंस डिसाइड करेगी कि कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, वो किस तरह होगा वो हम कंडीशन में समझेंगे कि हमारा इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला जो आपको मिला आई नेट इज इक्वल टू फोर आई जीरो कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, ये हमारा फॉर्मूला आई नेट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू
अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाई, और ये हमारा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई। ये तीनों फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहाँ पे जो हमारा कॉस फाई है फ्रेंड्स, कॉस फाई उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, तो फाई है हमारा उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस हमारा आता है के डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। उसमें जो के है ये हमारा फेज डिफरेंस है, मैंने लिखा हुआ है ऊपर वापस लिखता हूँ फेज डिफरेंस। के जो है वो हमारा वेव वेक्टर कहलाता है, उसकी वैल्यू हमारी फिक्स रहेगी 2π/λ। और जो डेल्टा एक्स है वो हमारा पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। तो फ्रेंड्स ये पाथ डिफरेंस क्या आएगा, तो हमारे एक वेव ने स्टार्ट करा था S1 से, उसको आप X1 मान लो, राइट। दूसरे वेव ने स्टार्ट करा था S2 से, तो उसके डिस्टेंस को आप X2 मान लो। तो X2 माइनस X1 आप करोगे X2 माइनस X1, तो वो आपको मिलेगा पाथ डिफरेंस। फ्रेंड्स मान लो अगर मैं यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स के लिए करता हूँ और ये फंक्शन बदल देता हूँ, मान लो मैंने कर दिया ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, फंक्शन हम यहाँ चेंज कर देते हैं, मान लो ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, और यहाँ पे ले लेते हैं ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे फेज डिफरेंस लेता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि हम यहाँ पे सॉल्व कर पाएं। अब अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं फेज डिफरेंस, तो ये हमारा फाई टू, ये फाई वन, तो फाई टू माइनस फाई वन हमारा डेल्टा फाई आएगा फेज डिफरेंस। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई टू हमारा क्या है ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस फाई टू माइनस फाई वन करेंगे तो हमें दोनों का बीच का डिफरेंस मिलेगा माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, माइनस अगर अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इस तरह से हो जाएगा, राइट। तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा यहाँ पे, या फिर आप इस तरह से अभी रखिए, हम यहाँ पे कर देते हैं उसको माइनस माइनस के एक्स वन। ओमेगा डी कैंसल, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेम थी तो कैंसिल हो गए, के कॉमन एक्स टू माइनस एक्स वन। आप देखो यहाँ पे टाइम नहीं है, यानी कि कोहेरेंट सोर्सेस में जो वेव होते हैं वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करते, टाइम से इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट। उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फेज डिफरेंस भी कॉन्स्टेंट रहेगा जो भी रहेगा। यहाँ पे हमारा आ रहा है के X2 माइनस X1, जहाँ पे हमने फेज डिफरेंस डिराइव करा के X2 माइनस X1। अगर आप R1 R2 बोलो तो R2 माइनस R1 आ जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के R2 माइनस R1, इस तरह से हमें मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोहेरेंट और इनकोहेरेंट में डिफरेंस क्या है। कोहेरेंट सोर्स एंड इनकोहेरेंट सोर्स, फ्रेंड्स जैसे मैंने बोला कि कोहेरेंट में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा या फिर जीरो रहेगा, राइट। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अब आपने लेसर बीम देखा होगा, लेसर को आप किसी वॉल पे फोकस करते हो तो दूर सामने आपको दीवार पे दिखाई देता है बहुत लंबी दूरी तक भी, क्योंकि उसके जो वेव होते हैं ना वो कंसंट्रेट होते हैं, फैलते नहीं हैं, स्ट्रेट जाते हैं, कोहेरेंट होते हैं, कोहेरेंट, राइट। फेज डिफरेंस सबका सेम है तो वो लोग क्या करेंगे, एक साथ इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे, एक साथ कोलाइड करेंगे, एक साथ वहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे सेम फेज के साथ, राइट। लेकिन जो इनकोहेरेंट है उनमें फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती, तो फेज डिफरेंस भी हमें सेम नहीं मिलेगा, फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, फेज डिफरेंस नॉट कांस्टेंट। जैसे कि हमारे मोबाइल फोन की टॉर्च होती है वो फैल जाती है, लाइट फैल गई, राइट। तो क्यों फैल गई, बिकॉज वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी थी वो सेम नहीं थी, राइट। तो उस सोर्स को हम क्या बोलेंगे, इनकोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये जो तीन फॉर्मूला डिस्कस करे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनकोहेरेंट सोर्स लेना हो तो आप यहाँ पे क्या करिए, T1 T2 ले लीजिए, T1 T2। तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा उसमें यह कैंसिल नहीं होगा, ओमेगा बाहर निकलेगा,
या फिर ओमेगा फ्रीक्वेंसी आप अलग अलग रहे हो तो वो भी अलग अलग रहेगा, लेकिन टाइम पे वो डिपेंड करेगा, टाइम के हिसाब से वो चेंज होगा। राइट, टाइम चेंज हुआ तो यहाँ पे फेज डिफरेंस भी हमारा चेंज होगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा, सारी चीज़ें हमारी चेंज करेगी, इंटेंसिटी चेंज करेगी। राइट, तो ये सारी इनकोहेरेंट में टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी, कोहेरेंट में डिपेंड नहीं करेगी। तो ये बातें आपको अच्छे से समझनी है, यहाँ पे टाइम हमारा नहीं आया। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम और थोड़े दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव में और इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव में क्या अंतर है, कौन से फॉर्मूला कब यूज़ करने हैं। राइट, तो ये फॉर्मूला मैं आप अभी वापस लिखूंगा, ये भी वापस लिखूंगा, और उसके ज़रिए हम यहाँ पे समझने की ट्राई करेंगे कि कब हमें कंस्ट्रक्टिव मिलता है, कब हमें डिस्ट्रक्टिव मिलता है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम वापस स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे, हम यहाँ पे इस तरफ लिखेंगे कंस्ट्रक्टिव, इंटरफेरेंस, और इस तरफ लिखेंगे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि दोनों जो वेव होते हैं वो एक साथ इस तरह से लाई करेंगे, दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं, मान लो A1 A2 इस तरह से। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा कि दोनों इस तरह से लाई करेंगे, तो एक वेव नीचे से आया, दूसरा ऊपर से आया, टकराया अपोजिट डायरेक्शन में, इंटेंसिटी जीरो हो गई। इसीलिए इसमें जो हमें मिलेगी इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, इंटेंसिटी हमारी कैसी होगी, नेट इंटेंसिटी मैक्सिमम। अब इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है तो बट ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड भी कैसा मिलेगा, मैक्सिमम। और इसमें डिस्ट्रक्टिव में हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी, मिनिमम। राइट, यानी कि जो ए नेट होगा वो भी हमारा मिनिमम मिलेगा, मिनिमम। हम यहां पे फॉर्मूला लिख देते हैं, आई नेट क्या आता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस पाई, और ए नेट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस पाई। राइट, ये हमें मिला था, दोनों हमने लिख दिए। अब देखो फ्रेंड्स ये हमारा कंडीशन लिखा मैंने कि जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो हमें मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी जब मिनिमम होगी तो मिलेगा हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये देखो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही है क्योंकि इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, बीच में कुछ नहीं है क्योंकि इंटेंसिटी जीरो हो गई, एक वे ऊपर से आया दूसरा नीचे से आया, दोनों टकराए तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला हमें। क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट लाई करे या ट्रफ के साथ ट्रफ लाई करे तो हमें मिलेगा कंस्ट्रक्टिव, लेकिन एक क्रेस्ट दूसरा ट्रफ अगर इस तरह से मिलेगा तो हमें मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। राइट, अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पे कॉस पाई मैक्सिमम मिलता है, और कॉस पाई मैक्सिमम कब मिलता है, जब उसकी वैल्यू 1 आती है। राइट, तो कॉस पाई की वैल्यू फ्रेंड्स 1 कब आती है, जब कॉस पाई कॉस 0 हो, कॉस 2 पाई हो, इस तरह से। तो पाई हमें मिला 0, 2 पाई, 4 पाई, डैश डैश सो ऑन, पाई हमें इस तरह से मिल गया, जब हमें 0 मिलेगा, पाई 2 पाई मिलेगा, 4 पाई मिलेगा। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि पाई हमें यहाँ पे एन पाई मिला। राइट, जहाँ पे एन की वैल्यू हमने एक बार 0 रखी, एक बार 1 रखी, एक बार 2 रखी, 2n पाई, सॉरी यहाँ पे हमें मिलेगा 2n पाई। अब आप वैल्यू रखो, एन की वैल्यू 0 रखी तो 0, एन की वैल्यू 1 रखी तो 2 पाई, 2 रखी तो 2 2 4 पाई, इस तरह से। तो हमें 2n पाई मिला वहां पे। अब फ्रेंड्स हमें ये पता है कि जो फेज डिफरेंस हमारा आता है, राइट, वो क्या आता है, के डेल्टा एक्स, के डेल्टा एक्स। तो अगर के डेल्टा एक्स को हम इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, दोनों फाई फाई है लेफ्ट साइड, तो कंपेयर करेंगे तो के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n पाई, के हमारा हो जाता है 2 पाई बाय लैम्बडा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n पाई। तो 2 पाई 2 पाई तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स हमें यहाँ पे मिल गया एन लेमड़ा।
काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेर एन इज इक्वल टू जीरो प्लस और माइनस वन प्लस और माइनस टू डैश डैश सो ऑन, राइट। अब फ्रेंड्स यहां पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो, फिर लैम्बडा, टू लैम्बडा, थ्री लैम्बडा, इस तरह से, राइट। जीरो लैम्बडा, टू लैम्बडा, थ्री लैम्बडा, डैश डैश सो ऑन, ये सारी हमें फ्रिंजेस मिलेगी यहां पे। अगर फ्रेंड्स हम यहां पे बात करें सेकंड पॉइंट, कॉस पाई हमारा मिनिमम आएगा। कॉस पाई मिनिमम कब आता है, जब उसकी वैल्यू माइनस वन हो। कॉस पाई हमें मिनिमम मिलता है जब उसकी वैल्यू माइनस वन हो, तो माइनस वन कॉस पाई हमारा माइनस वन आएगा जब हमें यहाँ पे कॉस माइनस वन मिलती है वैल्यू, यानी कि हमें उसकी वैल्यू पाई मिलेगी, या तो कॉस थ्री पाई, कॉस पाई पाई, इस तरह से मिलेगी। और वो हमें कब मिलेगी, जब हम टू एन माइनस वन पाई उसकी वैल्यू लें। अब आप देखो कि अगर मैं वन रखूंगा तो टू माइनस वन टू, टू माइनस वन टू, इंटू वन टू, टू माइनस वन वन, पाई मिला, राइट। टू रखूंगा टू टू जो फोर, फोर माइनस वन थ्री, थ्री पाई, राइट। इस तरह से हमें मिल जाएगी, वेर एन इज इक्वल टू जीरो, सॉरी एन इज इक्वल टू वन टू थ्री। यहां आपको याद रखना है कि आपको वन से स्टार्ट करना है, टू इंटू वन टू, टू माइनस वन वन, फिर पाई, यानी पाई मिला पहले, फिर टू रखोगे टू टू जो फोर, फोर माइनस वन थ्री, पाई। फ्रेंड्स यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब फॉर्मूला में प्लस भी आता है, तो जब बीच में प्लस आता है तो भी फॉर्मूला राइट ही है, लेकिन तब आपको फिर एन जीरो से स्टार्ट करना है। देखो अभी हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, टू एन माइनस वन पाई, तो एन मुझे यहाँ पे वन से स्टार्ट करना पड़ेगा, टू इंटू वन टू, टू माइनस वन वन, पाई, तो पाई मिला हमें यहाँ पे। अगर बीच में प्लस होता तो मैं यहाँ पे एन जीरो लेता, टू इंटू जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन इंटू पाई पाई, तो भी हमें पाई ही मिलता। तो बीच में माइनस हो तो आपको वन से स्टार्ट करनी है एन की वैल्यू, और बीच में अगर प्लस हो साइन तो आपको एन की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करनी है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, राइट, कि फ्रिंज का नंबर आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, प्लस हो तो जीरो से, बीच में माइनस आपने लगा रखा हो तो वन से, राइट। अब देखो अगर मैं इस पाई को फेस डिफरेंस के डेल्टा एक्स से कंपेयर कर लूँ, तो के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टू एन माइनस वन इंटू पाई, इस तरह से मिल जाएगा। लेकिन हमारा के वेव वेक्टर कहलाता है, उसकी वैल्यू क्या आती है, टू पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टू एन माइनस वन पाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्बडा ऊपर टू नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स हमारा हमें मिलेगा टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन लैम्बडा बाई टू, राइट। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टू एन माइनस वन लैम्बडा बाई टू। तो एक हमें ये फॉर्मूला मिला पाथ डिफरेंस का, एक हमें एन लैम्बडा मिला, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्बडा, यहाँ पे मिला डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टू एन माइनस वन लैम्बडा बाई टू। अब यहाँ पे हमारी एन की जो वैल्यू आएगी, वेर एन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें कहाँ से वैल्यू लेनी है, वन से, वन टू थ्री सो ऑन, राइट। वन रखोगे तो टू इंटू वन टू, टू माइनस वन वन, लैम्बडा बाई टू पहला मिलेगा, लैम्बडा बाई टू। फिर टू रखोगे टू टू जा फोर, फोर माइनस वन थ्री, थ्री लैम्बडा बाई टू। ऑड नंबर है लेकिन नीचे तो टू ही आ रहा है, राइट। थ्री रखेंगे थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव, लैम्बडा बाई टू, डैश 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 टू एन माइनस वन लैम्बडा बाई टू। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो ये अभी हमने डिस्ट्रक्टिव का हमने डिराइव कर लिया टू एन माइनस वन लैम्बडा बाई टू, कंस्ट्रक्टिव का हमने डिराइव कर लिया एन लैम्बडा, पाथ डिफरेंस, राइट। आगे जाके हम वाई डी एस सी में यही यूज करेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम यूज करेंगे एस टू पी माइनस एस वन पी पाथ डिफरेंस, एस टू पी माइनस एस वन पी। अभी जो हमने ड्रॉ किया था उसके ऊपर एस टू नीचे था, एस वन सोर्स ऊपर था, तो एस टू पी का पाथ डिफरेंस एक्स टू और एस वन पी का एक्स वन, तो एक्स टू माइनस एक्स वन हमें ये मिल जाएगा एन लैम्बडा एक बार, और एक बार टू एन माइनस वन लैम्बडा बाई टू, इस तरह से। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स हम आगे और भी करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ और फटाफट से हम यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करनी है कि हमें आई मैक्स कब मिलेगा, ए मैक्स कब मिलेगा, वो भी हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है।
अब देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ डिस्कस करा ये कि यहाँ पे हमारा कॉस पाई जो है वो प्लस वन मिलेगा, तब हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। तो मैं इसमें अगर यूज़ करता हूँ राइट, तो ए नेट स्क्वायर मुझे कितना मिल जाएगा? ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस पाई वन। तो हमें मिल गया ए वन प्लस ए टू होल स्क्वायर ए नेट स्क्वायर। अगर मैं रूट निकाल लेता हूं तो ए नेट हमें कितना मिलेगा? ए वन प्लस ए टू, इसको हम बोलेंगे ए मैक्स। तो जब भी आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आए तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो ए वन प्लस ए टू, पहले वेव का एम्पलीट्यूड प्लस सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड, ए मैक्स इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू। फिर अगर हम उसको इंटेंसिटी में यूज करें तो इंटेंसिटी हमें कितनी मिलेगी? आई मैक्स, उसको आई मैक्स बोलेंगे हम। आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू। ये देखो यहाँ पे तो वन मिल रहा है हमें, मैक्सिमम इंटेंसिटी है वन मिल रहा है, तो इसको हम ले सकते हैं आई मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आई मैक्स हमें कितना मिलेगा? आई वन अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर, ये हमें आई मैक्स मिल जाएगा। उसी तरह से हमें यहाँ पे कॉस पाई माइनस वन मिल रहा है जब हमारी इंटेंसिटी मिनिमम आ रही है। तो मिनिमम इंटेंसिटी के वक्त हमें यहाँ पे जो ए मिनिमम मिलेगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वन होगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस टू ए वन ए टू। तो अब हम इसको लिख पाएंगे ए वन माइनस ए टू होल स्क्वायर। अगर उसका रूट निकाल लेते हैं तो ए मिनिमम हमारा हो जाएगा ए वन माइनस ए टू। तो जब आप दोनों एम्पलीट्यूड को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और दोनों को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ए मिनिमम एम्पलीट्यूड, ए मिनिमम मिलेगा आपको राइट। नाउ आई मिनिमम हम लेते हैं, आई मिनिमम कितना मिलेगा? यहाँ पे माइनस वन पुट करोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो सॉरी यहाँ पे माइनस, तो आई वन प्लस आई टू माइनस टू आई वन आई टू राइट। ये हमें मिल जाएगा आई मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर। ये सारी चीज़ हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे राइट। यहाँ मिला हमें आई मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर, यहाँ मिला हमें आई मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर राइट। तो इस तरह से हमें आई मैक्स आई मिनिमम मिला, ए मैक्स ए मिनिमम भी मिला राइट। तो ये सारी बातें जी थी जो हमने डिस्कस करी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और बस एक बार बताता हूँ, हमारा यहाँ पे जब मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है तो हम उसको बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज, और बीच में जो गैप मिलती है इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बीच में जो गैप मिल रही है कुछ नहीं है वहाँ पे डार्क फ्रिंज होती है, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस राइट। तो फ्रेंड्स अब हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं राइट, जो JEE मेंस और नीट के एग्जाम में आए हुए हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे नीट 2020 फेज टू का। यहाँ हमें बोला गया है कि टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट इंटरफियर एंड प्रोड्यूस फ्रिंजेस पैटर्न ऑन अ स्क्रीन फॉर सेंट्रल मैक्सिमम द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स विल बी। तो फ्रेंड्स हमें जो यहाँ पे सेंटर में मिलेगी उसको हम यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बोलेंगे, तो उसके लिए दोनों वेव स्ट्रेट ही आएगी, कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। जो पहला वेव होगा उसका सेकेंड वेव का भी वही होगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि हमारा फॉर्मूला आता है फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, ये होता है हमारा टू पाई बाई लैम्बडा एक्स टू माइनस एक्स वन। अब दोनों सेम डिस्टेंस से आ रहे हैं, ऊपर हो तो एक का कम और एक का ज़्यादा डिस्टेंस होगा, लेकिन दोनों सेम डिस्टेंस से आ रहे हैं तो एक्स वन एक्स टू हमारे सेम हो जाएंगे। एक्स वन एक्स टू सेम यानी कि सारी चीज़ें जीरो, जीरो इंटू टू पाई बाई लैम्बडा जीरो, यानी ऐसा कब होगा? जब हमारा फेज डिफरेंस जीरो होगा राइट। मैंने आपको भी फॉर्मूला दिखाया था कि फेज डिफरेंस का के डेल्टा एक्स आता है, डेल्टा एक्स हमारा बनता है एक्स टू माइनस एक्स वन। अब हमारा दोनों पाथ ही सेम है राइट, तो हमारे एक्स टू माइनस एक्स वन ही जीरो हो रहे हैं वहाँ पे, तो फाई हमारा जीरो हो जाएगा राइट। तो फेज डिफरेंस हमें कितना मिलेगा यहाँ पे? जीरो मिलेगा।
उसकी कोई वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। अब हम ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2014 में वो क्वेश्चन करते हैं। इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा इज के। वहाँ पे हमें पाथ डिफरेंस कितना मिल रहा है, लैम्बडा के बराबर। बीइंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, लैम्बडा हमारी वेवलेंथ है। द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाई फोर विल बी। पहले में हमारा पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तब हमें के मिल रही है इंटेंसिटी, तो जब के लैम्बडा बाई फोर है तब कितनी मिलेगी। तो ये देखो हमारा फॉर्मूला आता है आई इज इक्वल टू फोर आई जीरो, इसको हम के मान लेते हैं, राइट। तो के कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। अब फ्रेंड्स हमारा फाई कितना आता है, फाई आता है हमारा के डेल्टा एक्स। पार्ट डिफरेंस यहाँ बता रखा है लैम्बडा बाई फोर, लैम्बडा बाई फोर। के हमारा होता है टू पाई बाई लैम्बडा, लैम्बडा बाई फोर। लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, टू टू ज़ा फोर, तो फाई हमारा आया फाई बाई टू, राइट। तो आई इज इक्वल टू के कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फाई हमें मिला फाई बाई टू। अब उस फाई की वैल्यू फाइव बाई टू यहाँ रखते हैं, तो के कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू फाई बाई टू, पहले से टू तो था ही, तो के कॉस स्क्वायर टू टू ज़ा फोर, फाई बाई फोर, राइट। और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को अगर पता नहीं चले कि कॉस फाइव बाई फोर कितना होता है, तो आप एक काम करिए ऊपर 180 लगा दीजिए, बाई फोर 45, और कॉस 45 आता है 1/√2, लेकिन स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर, यानी कि के 1 का स्क्वायर 1/√2 का 2, तो के बाई टू। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा के बाई टू, के बाई टू इज आर करेक्ट आंसर, राइट। अब फ्रेंड्स हम करते हैं जेई मेन 2023 का क्वेश्चन। इसमें बोला गया है हमें कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन द स्क्रीन इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेयर फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड पी पाई बाई थ्री एंड पाई बाई टू रिस्पेक्टिवली आर, दोनों का रेशियो लेना है। तो पहली हम इंटेंसिटी मान लेते हैं आई वन, राइट। जब हमारा फेज डिफरेंस है पाई बाई थ्री, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, तो आई वन इज इक्वल टू I1 = I0 + I0 + 2 I0 square, I1 I2 आता है, हम I0 square कर देते हैं। cos cos पहला है pi by 3, तो फ्रेंड्स cos pi by 3 हमारा कितना आता है, cos 60 होता है 1/2। आप मैंने क्या बोला 180 रखिए, 180 by 3 60, cos 60 क्या होगा 1/2। तो I0 plus I0 2 I0, या I0 square का रूट निकलेगा I0 2I0 और ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो I1 हमें मिला 3I0। यहाँ पे I1 की वैल्यू आई हमारी 3I0, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड हमारा इंटेंसिटी हमें मिलेगा I2 इज इक्वल टू I0 प्लस I0 प्लस 2I0 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस है पाई बाई टू, तो वहाँ हम पाई बाई टू रखेंगे, तो कॉस पाई बाई टू, ये 90 cos 90 180 by 2 90, यानी पूरा जीरो। तो हमें यहाँ पे इंटेंसिटी मिली 2I0, तो हमें तो दोनों का रेशियो लेना है, तो रेशियो हमें यहाँ पे मिल जाएगा I1/I2 इज इक्वल टू 3I0 / 2I0, I0 कैंसल, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई I1/I2 इज इक्वल टू 3:2, 3/2, तो ये हमें मिल जाएगा आंसर सी, सी इज अ करेक्ट आंसर, राइट। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे करते हैं हमारे और क्वेश्चंस जो जेई और नीट में आए हुए हैं। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हैं, पहला लिखा है नीट 2016 फेज टू का और दूसरा AIPMT 2015 का। तो यहाँ पे बोला हुआ है हमें कि द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑप्टेन विथ टू कोहरेंट लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो एन, यानी कि यहाँ पे हमारे दोनों लाइट वेव जो है उनका रेशियो बता रखा है I1/I2 कितना n। तो हम ले लेते हैं I1/I2 इज इक्वल टू n, राइट, n/1 होगा। इन द इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो I max - I min / I max + I min दैट विल बी, तो वो कितना आएगा रेशियो। तो यहाँ पे I मतलब क्या होता है A1 square / A2 square n/1, अगर रूट निकालेंगे तो क्या होगा A1/A2 √(n/1). तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं a को a2 को ऊपर ऐड करता हूँ तो a1 + a2
अपॉन ए वन माइनस ए टू, तो रूट एन माइनस वन और प्लस वन अपॉन रूट एन माइनस वन, इसको हम बोल सकते हैं ए मैक्स, इसको ए मिनिमम। तो ए मैक्स हमें मिल गया, ए मिनिमम हमें मिल गया, ये चीजें हमने करी है अभी अभी, राइट। अब मैं ए मैक्स का स्क्वायर करता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो आई मैक्स स्क्वायर को हम बोलेंगे आई मैक्स और आई मीन स्क्वायर को हम बोलेंगे आई मीन। तो ये क्या आएगा फ्रेंड्स हमारा, एन प्लस टू रूट एन इंटू वन प्लस वन, यह आएगा एन माइनस टू अंडर रूट एन प्लस वन। तो फ्रेंड्स हमें तो लाना है आई मैक्स माइनस आई मीन, तो ऊपर पहले माइनस करेंगे आई मैक्स माइनस आई मिनिमम और नीचे हम करेंगे प्लस आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। तो पहले ऊपर की टर्म लिखो एक बार, अब माइनस करके एन माइनस टू रूट एन प्लस वन और नीचे एन प्लस टू रूट एन प्लस वन माइनस एन माइनस टू रूट एन प्लस वन। नीचे हमें ऊपर हमें माइनस रखना है, नीचे प्लस रखना है, तो प्लस। अब जब हमारा ये माइनस अंदर एंटर करेगा तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट, प्लस 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 इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू प्लस प्लस। तो एन एन कैंसल, वन वन कैंसल, टू अंडर रूट एन टू अंडर रूट एन फोर अंडर रूट एन और नीचे टू रूट एन टू रूट एन कैंसल, एन प्लस एन टू एन, वन प्लस वन टू, तो टू एन प्लस टू टू, नीचे से कॉमन निकालो तो हमें यहाँ पे मिला फोर रूट टू टू कॉमन एन प्लस वन, टू टू जो फोर टू रूट एन अपॉन एन प्लस वन। तो ये आंसर हमें मिला टू रूट एन अपॉन एन प्लस वन, टू रूट एन अपॉन एन प्लस वन। इसको बोलते हैं विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजिस, एक स्पेशल केस है, इट इज कॉल्ड विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजिस। अब फ्रेंड्स हम AIPMT 2015 का क्वेश्चन करते हैं, टू स्लिट इन यंग एक्सपेरिमेंट अब विथ इन द रेशियो ऑफ, हमें यहाँ पे विथ का रेशियो यानी कि इंटेंसिटी का रेशियो बता रखा है, विथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, 1/25। हमें निकालना है यहाँ पे आई मैक्स अपन आई मीन। तो देखो सेम ही पैटर्न हमने करी है, पहले आप क्या करिए ए वन की जगह पे सॉरी आई वन की जगह पे ए वन स्क्वायर रख दीजिए, आई टू की जगह पे रखिए ए टू स्क्वायर, जो कि हमें पता है ये पैटर्न। तो ए वन स्क्वायर उसका रूट ए वन, ए टू स्क्वायर का रूट ए टू, 1/5, उसका उल्टा कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा ए टू बाई ए वन 5/1। अब मैं ए वन को ऊपर ऐड करूंगा, नीचे सब्ट्रैक्ट करूंगा, 5 + 1 5 - 1 6/4, ये हमारा कहलाता है ए मैक्स, ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम 6/4 3/2, राइट। अब फ्रेंड्स इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ए मैक्स का स्क्वायर अपॉन ए मिनिमम का स्क्वायर 9/4, ए मैक्स का स्क्वायर आई मैक्स और ए मीन का स्क्वायर आई मीन। तो यहां पे हमें आंसर मिला 9/4, राइट। और हम क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, यहां पे हमें और तीन जेई मेन के क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जेई मेन 2022, टू लाइट बीम्स हैविंग इंटेंसिटी आई एंड 9i, पहले की इंटेंसिटी आई है दूसरे की 9i है, इंटरफियर टू प्रोड्यूस अ फ्रिंज पैटर्न ऑन अ स्क्रीन, तो फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम इज π/2 एट अ पॉइंट पी एंड पाई एट अ पॉइंट क्यू। हमारी नेट इंटेंसिटी बता रखी है हमें कितनी, आई एंड 9i, राइट। तो पहला हमें मिलेगा i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2, पहला के फेज डिफरेंस हमारा आप बता रखा है π/2 cos π/2, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, राइट। i1 इज इक्वल टू i1 डैश ले लेते हैं, i1 डैश दैट इज इक्वल टू i1 प्लस i2, तो इसको हमने i1 डैश बोल दिया। अब i1 बता रखी है i और ये बता रखी है 9i, तो i प्लस 9i दैट विल बी 10i,
आई वन डैश हमें मिल गई टेन आई। उसी तरह से सेकंड फेज डिफरेंस लेते हुए हम सेकंड का करते हैं, सेकंड का फेज डिफरेंस कितना बोल रखा है पाई, पहले वाले का बोला था हमें पाई बाई टू, सेकेंड का बोला है पाई। अब हम यहाँ पे उसको सॉल्व करते हैं, देखो आई टू डैश इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू टू आई वन आई टू कॉस पाई। फ्रेंड्स कॉस पाई हमारा माइनस वन आता है तो माइनस वन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, पहली इंटेंसिटी हमारी आई, दूसरी नाइन आई, माइनस टू आई इंटू नाइन आई, नाइन आई का स्क्वायर राइट, टेन आई माइनस नाइन का रूट निकलेगा तीन, थ्री टू जै सिक्स आई, माइनस सिक्स आई, यानी कि यहाँ आया हमारा टेन आई। अब फ्रेंड्स हमें तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो आई वन डैश माइनस आई टू डैश हम करेंगे तो कितना आएगा टेन आई माइनस फोर आई, आंसर आया हमारा सिक्स आई। आई तो यहाँ बता ही रखा है तो आई यहाँ बता रखा है तो हमारा आंसर मिलेगा हमें सिक्स राइट। अब हम ये वाला करते हैं जेई मेन 2019 का, टू कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूसेस वेव्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज विच इंटरफियर, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी इंटरफियर कर रही है, आफ्टर इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी इज 16, मैक्सिमम से मिनिमम का रेशियो बता रखा है 16, द इंटेंसिटी ऑफ रेशियो विल बी, तो इंटेंसिटी का रेशियो कितना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई मैक्सिमम हमारा क्या कहलाता है, आई वन प्लस आई टू होल स्क्वायर सॉरी अंडर रूट होल स्क्वायर अपन आई वन माइनस आई टू आई मिनिमम होल स्क्वायर कहलाता है, अभी हमने पढ़ा था। दोनों का रूट निकाल देते हैं तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 4/1 राइट, दोनों तरफ रूट निकाल दिया। अब हम यहाँ पे काम करते हैं, इसको यहाँ पे माइनस करते हैं नीचे प्लस करते हैं, तो आई वन प्लस आई टू ऊपर माइनस करेंगे पूरी टर्म को, अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू, तो इधर भी माइनस करेंगे 4-1। अब इस टर्म में इसको ऐड करेंगे आई वन प्लस आई टू प्लस अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू, यहाँ पे 4+1 आसान है। अब आप देखिए कि माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस 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 प्लस राइट, तो अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई वन कैंसिल तो 2√i2, और यहाँ पे i2 कैंसिल तो यहाँ पे 2√i1, ये 2 कैंसिल 3/5, इसका रूट स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो i2/i1 इसका होगा 9, इसका होगा 25, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया। और इसको हमें लाना है यहाँ पे i1 i2 हमें मिल गया 25/9, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 25/9 राइट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने आगे किया वैसा ही है, यहाँ पे आपको एक्स निकालना है। क्वेश्चन है हमारा टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग अ इंटेंसिटी इज आई एंड 4i इंटरफियर टू प्रोड्यूस अ फ्रिंज पैटर्न ऑन अ स्क्रीन राइट, तो फेज डिफरेंस पहले का है पाई बाई टू और दूसरे का है पाई बाई थ्री एट अ पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी उस तरह से हमने जैसे किया डिफरेंस आपको निकालना है, रिजल्टेंट डिफरेंस हमें एक्स आई बता रखा है तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए वो हमें पूछा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करते करते पूरा एकदम आपको इजीली लगने लगेगा राइट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट लेक्चर से, तब तक आप रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए, मिलते हैं, बाय एवरीवन।